को मेरा नमस्कार। एम के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा छठवीं की गणित ब्रिज कोर्स की पुस्तक पर हम कार्य करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो आइए आज हम वर्कशीट नंबर 25 से लेकर कार्य करेंगे 26 तक और पेज नंबर हम करेंगे 44 से लेकर 46 तक। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। कोणों की समझ दी गई है। प्रश्न पहला है, आप अपने आसपास की वस्तुओं में बनने वाले कोणों को पहचानकर उदाहरण के अनुसार सारणी पूरा करें। तो यहाँ पे जैसे कैंची का कोण समकोण दिखा रहा है, यहाँ पे हाथ का कोण जैसे यहाँ पे समकोण होगा, पतंग यहाँ पे जो कोण दिखाई दे रहा है हमें ये भी समकोण होगा, कैंची का यहाँ पे जो कोण बना है ये हो जाएगा समकोण से अधिक, स्टाफ में जो कोण बना हुआ दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा समकोण, फिर यहाँ पे घड़ी में जो कोण बना हुआ है ये समकोण हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमने एक आकृति बनाई है तो ये हो जाएगा समकोण से कम और यहाँ पे ये हो जाएगा समकोण। इस प्रकार आपके मन में भी जो आकृति है यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समकोण, समकोण से ज़्यादा और समकोण से कम की स्थिति को समझा। अब हम चलते हैं 44 नंबर के पेज से 45 नंबर के पेज पर। कोणों का वर्गीकरण दिया गया है। कोणों की पहचान दिए गए घड़ी के सुइयों के बीच बने कोणों के नाम लिखिए एवं दाएं तरफ इसी प्रकार की कोई अन्य कोण बनाइए। तो जैसे अधिक कोण, तो यहाँ पे हमने अधिक कोण का एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे समकोण बना दिया है, जैसे यहाँ तीन बजा दिए हमने, फिर यहाँ पे एक और दो पे काटा है तो न्यून कोण हो जाएगा, फिर यहाँ पे दो और तीन पे काटा हो जाएगा तो न्यून कोण हो जाएगा, और 10 और 6 पे काटा है यहाँ पे तो ये अधिक कोण हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 6 पे काटा होगा तो समकोण हो जाएगा। इस प्रकार हमने यहाँ पे बने कोणों का नाम भी लिख दिया और इसके आधार पे हमने सुइयों में इनको दर्शा भी दिया घड़ियों की सुइयों में। आशा है वीडियो अगर स्पीड में लग रही तो इन प्रश्नों के उत्तर आप वीडियो को रोककर या पुश करके इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख लीजिए। अब हम चलते हैं 45 नंबर के पेज से 46 नंबर के पेज पर। नीचे दिए गए घड़ी की सुई निर्देश अनुसार बनाइए। तो जैसे यहाँ 2 बजे है तो न्यून कोण हो गया, फिर 3:30 बजे तो यह हो जाएगा समकोण, 4 बजे हो जाएगा अधिक कोण और 5:15 यहाँ पे आपको बनाना भी है इसी आधार पे, समय दिया है तो न्यून कोण, और 9:30 हमने यहाँ बनाया है ये हो जाएगा समकोण। आशा है समस्त प्रश्नों के उत्तर से आप संतुष्ट होंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अन्य विषय के भी ब्रिज कोर्स की पुस्तकों के अभ्यास की आवश्यकता है वीडियो की, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक समस्त पाठों का हल दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर अपनी कठिनाई के स्तर को दूर कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।